हाय एवरीवन, माय नेम इज एकता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ माय होम माय स्टाइल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आ गई हूँ अनदर फेस वॉश रिव्यू के साथ, और वो है ये अरोमा मैजिक का ग्रेप फ्रूट फेस वॉश। दो फेस वॉश मैंने एक साथ मंगाए थे अरोमा मैजिक के। नीम फेस वॉश का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ और इसकी बारी आ गई है। तो आज जानेंगे कि ये फेस वॉश मेरी स्किन पे कैसा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, एंड टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज माई लाइफ माई होम माई स्टाइल। ये है अरोमा मैजिक ग्रेप फ्रूट फेस वॉश की ट्यूब। ट्यूब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी ट्यूब है, और जो इसके अंदर प्रोडक्ट है वो येलो कलर का है, जेल टाइप का प्रोडक्ट है, फेस वॉश है। और 100 ml की ये ट्यूब है। इसका MRP 180 है। जिस प्राइस में मैंने परचेज़ किया था, मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था, वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। जिस ऐप से मैंने परचेज़ किया था वो भी मेंशन कर दूँगी। और जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो 3 ईयर्स की है। 3 ईयर्स तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फेस वॉश है नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है। और सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन वालों को भी मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें लेमन है, जो लेमन की हर किसी को सूट नहीं करता इसलिए। और नॉर्मल और ऑयली स्किन वाले इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो भी लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। आई क्लीन एंड ब्राइटन योर स्किन विद ग्रेप फ्रूट लेमन एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है इसके अंदर। आई टाइटन योर पोर्स विद विटामिन सी एंड बीटा कैरोटीन। आई मैटिफाई एंड रिवाइटलाइज योर स्किन विद अ ब्लेंड ऑफ प्लमरोसा एंड नेरोली असेंशियल ऑयल। इसमें दो असेंशियल ऑयल भी हैं। आई एम नॉट मेड ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, पैराबेन, अल्कोहल, आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस एंड कलर। तो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस वगैरह नहीं है। इसमें जो फ्रेगरेंस आती है वो लेमन की आती है, ज़्यादातर इसमें लेमन की फ्रेगरेंस आती है। फ्रेगरेंस अच्छी है इसकी, लाइट सी है। तो अगर आपको फ्रेगरेंस से एलर्जी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब मैं बात करती हूँ कि मेरी स्किन पे इसने किस तरह से वर्क किया है। मेरी स्किन पे इसने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया है। जब भी मैंने इस फेस वॉश को लगाया है तो कहीं ना कहीं मुझे ना एक्नेज हुए हैं। अब हो सकता है कि वो लेमन मुझे इस वाले प्रोडक्ट में सूट ना किया हो विद ग्रेप फ्रूट। और जब भी मैंने इसे लगाया तब भी मेरा कहीं ना कहीं एक्ने हुए ही हुए हैं। और प्लस ये जब भी फेस वॉश किया है मैंने इससे, तो मुझे ना एक ड्राइन ऐसी फील होती थी। जैसे ही मैं फेस वॉश करके आती थी और अपना फेस अच्छे से वाइप करती थी तो एक ऐसे ना खिंचावट होती है, उस तरह की खिंचावट होती थी। तो मुझे एक बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। इवन समर में भी, समर में इतना ज़्यादा नीड नहीं होती अगर आप फेस वॉश करके आते हैं मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने की। तो सोचिए कि विंटर्स में कितना ज़्यादा ये ड्राइनेस करेगा, बहुत ज़्यादा ड्राई करता है। तो मेरी स्किन को इसने सूट नहीं किया है। जिस जिसको सूट किया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिस जिसको नहीं किया है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी अपनी तरफ से। बाकी आप अगर यूज़ कर चुके हैं और कर रहे हैं और सूट कर रहा है तो आप कर सकते हैं। वैसे मेरी तरफ से बिग नो है इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि मुझे सूट नहीं किया है। तो मैं इसका आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से जेल तरीका का टेक्सचर है, ना ज़्यादा रबी कंसिस्टेंसी है इसकी, ना ही ज़्यादा थिक है ये। और लेदरिंग वगैरह सब अच्छे से करता है प्रोडक्ट। ओवरऑल जैसे जिस तरह से फेस वॉश होना चाहिए उसी तरह से ये फेस वॉश है। और आपको अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मुझे इसने कहीं ना कहीं ड्राइनेस दी है। और अगर आपकी सुपर ऑयली स्किन है तो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि ये ऑयल को अच्छे से निकाल देता है आपके स्किन में से, और 2-3 घंटे के लिए आपका फेस बिल्कुल ऑयल फ्री रहेगा, आपको मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल मेरी तरफ से नो है इस प्रोडक्ट के लिए। तो होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, बाय, टेक केयर।